कहने के लिए वो सिर्फ एक नर्स थी, पर मरीजों को कभी किसी की माँ, कभी किसी की बहन और किसी की बेटी के हिसाब से संभालती थी वो। एक तुम ही। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उल्लू की वेब सीरीज कशक के बारे में। कशक ये कहानी है शीतल की, जो एक बड़े से हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और वो अपने पेशेंट का ख्याल कुछ इस तरीके से रखती है जैसे कि वो उसकी फैमिली है। और धीरे धीरे वहाँ के सभी स्टाफ उसकी फैमिली की तरह हो जाते हैं, और या यूँ कहें फैमिली से भी ज़्यादा वो लोग उनको प्यार उसको प्यार करने लगते हैं शीतल को। जिंदगी हो या सिनेमा, हर जगह सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता, तो यहाँ बहुत से मोड आपको देखने को मिलेगा। इस हॉस्पिटल में सब एक दूसरे की लेने में ही लगे हैं, बस डॉक्टर्स डॉक्टर्स की ले रहे हैं, नर्सेस की ले रहे हैं, कंपाउंडर्स की ले रहे हैं, बड़े डॉक्टर्स से जिसको जो भी मिल रहा है प्रसाद समझ के बस लिए जा रहे हैं। तो आप समझ गए ना कि इसमें होने क्या वाला है। ऐसे बहुत सारे लव सीन्स आपको देखने मिलेगा। इसी बीच में शीतल को प्यार हो जाता है डॉक्टर आदि से, और डॉक्टर आदि भी काफ़ी प्यार करते हैं शीतल से। लेकिन जहाँ एक तरफ सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, शीतल के लिए सब नॉर्मल हो रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक कंपाउंडर की नज़र पहले से ही शीतल पे होती है, और उसका मानना था कि शीतल मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। और जब उसे पता चला आदि और शीतल के बारे में, तभी एक दिन मौका देख के उसने शीतल को जान से मारने की धमकी देते हुए रिश्ते बनाता है उसके साथ ज़बरदस्ती। लेकिन उसके गले में उसने एक चेन डाली हुई थी जिससे खींच के वो ज़बरदस्ती करता है, और उसको पता भी नहीं रहता कि वो कितने दर्द में है। और फिर उसके खींचने के चक्कर में उसके जो मस्तिष्क में ब्लड की प्लॉटिंग्स होती हैं और वो कोमा में चली जाती है, और 37 साल तक वो कोमा में ही रहती हैं, दर्द झेलती हैं, परेशानियां झेलती हैं। और उसी बीच में वो स्टोरी को नैरेट्स करते हैं पूरे एपिसोड्स में, आपको देख के काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। उसके रिश्तेदार परिवार सब उसको छोड़ देते हैं उसे, लेकिन जो रिश्ता उसने हॉस्पिटल में लोगों से बनाया था उन लोगों ने उसके साथ वो रिश्ता निभाया, और 37 साल तक उसी हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट किया और उसको फैमिली की तरह रखा गया। उसके बाद एंट्री होती है मिनी शलांबा की, जो कभी पेशेंट बनके इसी हॉस्पिटल में आई थी, जिसकी केयर शीतल ने करी थी आज से 37 साल पहले। जब वो उसको उस हालत में देखती हैं तो उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है, इतने दर्द में है ये लड़की। तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि इसे मार दिया जाए ट्रीटमेंट दे करके, लेकिन हॉस्पिटल्स ने और बाकी लोगों ने एक नहीं करने दिया। वो केस करती हैं कोर्ट में और कोर्ट में केस लड़ती, लेकिन वो कोर्ट में केस हार जाती हैं, लेकिन हारने के बाद भी एक तरह से जीत ही जाती हैं समझो, क्योंकि हारने के बाद कि उन्हें मारने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन जब वो केस ख़त्म होता है उसी टाइम पे उसी दिन शीतल मर जाती है दोस्तों। तो ये स्टोरी है, ओवरऑल नैरेट की गई है कैसे रिश्ते टूटते हैं, कैसे रिश्ते जुड़ते हैं, कौन कब साथ दे सकता है, कौन कब धोखा दे सकता है, कभी कभी फैमिली भी साथ नहीं देती, बाहर वाले देते हैं। तो इस तरह की जो स्टोरीज को नैरेट करके इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, आप जब इसे देखेंगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और आपको इसे देखने के लिए उल्लू का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा दोस्तों, तो उल्लू ऐप पर आप जाके इसे देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है दोस्तों। मैं विदा लेता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो।